एवरीवन, मैं नीति रीना ऑफिशियल, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, इस टाइम मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, तो आप लोग को अपने भगवान जी का दर्शन करवा दिए। ये देखिए गाइस, हमने पूरी भगवान की बत्ती जला दी है। जो है हमारे असम को हम लोग बत्ती जला देते हैं ना इतने टाइम, जो है फिर उसके बाद तब आगे की तैयारी करते हैं। तो गाइस, तो हम आप लोग के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं फ्राई चावल की रेसिपी। तो फ्राई चावल तो जो है सबको जो है मतलब करना आता है, फ्राई करना। तो चलिए आज हम जो है हम अपने तरीके से आज आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो ब्लॉग में जुड़ी रहिएगा। गाइस, हमारा हम कढ़ाइया चढ़ा दी, उसमें तेल भी डाल दिए। तेल में आप चाहे रिफाइंड डालिए चाहे सरसों का तेल डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, ये देखिए जो है, तो हमने क्या मतलब फ्राई राइस तो ऐसे सबको पसंद आता, तो चलिए आज हम अपने तरीके से फ्राई राइस जो है मतलब शेयर करते हैं आप लोग के साथ। तो ये देखिए गाइस, हम आपको दिखा दिए, हमारा टमाटर कटा हुआ है, दो टमाटर हमने काट के रखे हैं, और ये हमारा शिमला मिर्चा है कटा हुआ है, ये हमारा जो है मिर्ची है जो है हरा मिर्चा, जो इसको हमने दो पीस में करके काट के रखे हैं, और ये हमारा बारीक जो है मतलब अदरक है, जो मतलब हमने छोटे छोटे टुकड़े करके काट के रख लिए हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार रेसिपी जो है मतलब इस तरीके से आप लोग भी बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है फ्राई राइस तो सबको, बचे हुए चावल। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपका तुरंत बनाया हुआ चावल है तो आप थोड़ी देर रुक के करिए, और उसमें जो है आप हल्के से पानी का छींटा मार देंगे तो आपका चावल सारा अलग हो जाए। देखिए मेरे चावल सारे अलग हैं, ये देखिए सारे चावल अलग हैं। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे जो है, तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। गाइस, सिवांश की शैतानी बढ़ जाती, सिवांश शैतानी बहुत करते हैं। और उसके बाद लैया का प्रसाद जो कि हम रखे थे, इसको कह रहे हम इसकी जो है बुकनी बनाएंगे। और उसके बाद इनको ये देखिए जो है झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे ऐसे ही शैतानी करते हैं। अभी ये बड़े हो जाएंगे, इनको आप हम कहेंगे तब नहीं करेंगे। सिवांश, आप क्या कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो ना? नहीं मम्मा, मैं जब देखिए आप लोग मत क्या बोल रहे हैं, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो बच्चे को बाबू इसको ना करो, जो ये प्रसाद है भैया, गाइस देख रहे हैं लोग जो है इनका, बच्चे हैं, बच्चों को चाहे जितना आप कुछ भी समझाएंगे तो बच्चे हैं ना, तो उनको आप जो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, पता ही है। तो ये देखिए गाइस, हमने आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा धनिया हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। वैसे फ्राई राइस अपने ऊपर होता है कि आप क्या डालना पसंद, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, और ये मेरा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा जो है तो ये देखिए गाइस, इसमें हम जीरा डाल दे रहे हैं, और इसमें बारीक कटा हुआ जो है मिर्ची डाल देंगे। अभी यहाँ हम भाई मिर्ची डाल रही, इसको बीच से खा रहे हैं, मतलब इससे क्या होता है अभी तरीके से पकने में जैसा लगता है, चटकता है ना वो। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो है मिर्ची हो चुकी है, तब इसमें हम जो है प्याज ऐड कर देंगे। आप लोग कैसे फ्राई करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम भी उसी तरीके से फ्राई करेंगे जो है फ्राई राइस। आपको पसंद है ना फ्राई राइस? पसंद है सिवांश आपको? कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, फ्राई राइस भी पसंद है, और आपको भूख भी लग गई है। अभी फटाक से हम आपके लिए तैयार कर दे रहे हैं, तब तक आप बैठिए चलिए कमरे में। मम्मा जी, आप बोलते नहीं हो कि मैं क्या पी रहा था। कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे आप ना? तो ये देखिए गाइस, हमारा जो है मतलब प्याज का तड़का हो चुका है, लगभग हो चुका है, हल्का और हो जाए बस। अब इसमें जो है हम टमाटर ऐड कर देंगे जो है, जब तक हमारा टमाटर हो रहा तब तक हम इसमें जो है थोड़ा सा जो है बस थोड़ा सा अभी नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होता है गाइस, कि उसमें जो है जो टमाटर है आपका गल जाएगा बस। इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, ये देखिए जो हमारा कटा हुआ शिमला मिर्च था, इसमें हमारे जो है अदरक ऐड कर दे रहे हैं, हमारा बारीक कटा हुआ जो है अदरक ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे धीमे फ्लेम पे। इससे क्या होता है गाइस, जल्दी हो जाता है ढकने से।
में गाइस हम जो है ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। फ्राई राइस आप सादा भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, कई तरीके से बनता है। ये देखिए नमक डालने से देखिए कितना गल गया जो है, इसको हम ढक दे रहे हैं। देखिए गाइस इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। फ्राई राइस बन रहा बेटा, आपको बताए तो थे फ्राई राइस बन रहा है, इससे देखिए हमारा चावल अलग हो जाता है। मैगी नहीं बनाएंगे बेटा, मैगी बाद में बना देंगे आपके लिए बाबू, हाँ अभी नहीं। ये देखिए गाइस हमारे पास इस टाइम जो है धनिया नहीं है, जो कि हमने सोचा चलो जाने दो, धनिया नहीं था, धनिया भी आप जो है धनिया डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए अब इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक हमें थोड़ा स्वाद अनुसार डालना, क्योंकि नमक पहले से भी थोड़ा बहुत हम डाल चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए अच्छा लग रहा है कितना देखने में। आप सादा भी बना सकते हैं फ्राई राइस, लेकिन ये होता है थोड़ा कलर हल्दी डालने से या गरम मसाला थोड़ा आप ऐड कर देंगे और ये अच्छा टेस्टी भी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए लगभग हमारा हो चुका है। ये देखिए गाइस शिवांश को भूख भी लगी थी, थोड़ा शिवांश के लिए जो है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो शिवांश को थोड़ा भी दे दे रहे हैं, बाकी हम ये जो है आने के बाद तब खाएंगे जो है, क्योंकि गर्म गर्म ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जो है। सो गाइस हमने शिवांश के लिए लेके आए हैं, शिवांश अपना खा रहे हैं, तो शिवांश लीजिए अपना खाइए, क्योंकि जो है इनको भूख भी लगी थी, कह रहे मम्मा आप क्या बना रहे हैं, तो हमने सोचा इनको क्यों ना सर्व कर दो। तो लो शिवांश अपना खाइए, लीजिए कैसा बना शिवांश। अच्छा। आप इधर बोलिए कैसा अच्छा बना है। अच्छा है, ऐसे दिखा रहे थम दिखा रहे। तो गाइस हम अपने अपने वीडियो को एंड नहीं किए थे, बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार, तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, हमने अपने वीडियो को एंड नहीं किए थे। अगर आप लोग का आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।